नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हम चर्चा करेंगे भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की। तो साल 1739 में नादिर शाह, जो कि ईरान का एक रूलर था, उसने भारत पे आक्रमण किया था। अब आपको पता है 1739 में भारत में कौन सी सत्ता चल रही थी जब इसने आक्रमण किया। उस समय दिल्ली में था, मुगल सल्तनत चल रही थी, दिल्ली में मुगलों का बादशाह था। और वो मुगल बादशाह जिनकी हम अगर बात करें बाबर से लेके औरंगजेब तक की, तो उनकी तरफ कोई विदेशी आक्रमण करता देख तक नहीं पाता था, कोई सोच भी नहीं पाता था कि इनको हराया जा सकता है, क्योंकि वो इतने पावरफुल थे। एक समय पे दुनिया की सबसे पावरफुल डायनेस्टीज में से एक हुआ करती थी मुगल डायनेस्टी, और उसी मुगल डायनेस्टी को इसने 1739 में धूल चटा दी। सिर्फ उसने इस बैटल में उसको हराया ही नहीं, जो करनाल में एक बैटल हुआ था उसमें सिर्फ हराया ही नहीं, बल्कि मुगलों की इस कदर बेइज्जती की कि मोहम्मद शाह रंगीला, जो उस समय मुगल बादशाह था, उसका ये थ्रोन तक उठा के ले गया। उसका जो राज सिंहासन था, जिसको मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है, पिकॉक थ्रोन के नाम से जाना जाता है, जो शाहजहां ने बनवाया था, और उसी पिकॉक थ्रोन पे कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था, जो दुनिया का सबसे मशहूर और बेशकीमती हीरा है, वो भी जुड़ा हुआ था। और उसको उठा के नादिर शाह अपने पर्शिया, अपने देश लेके चला जाता है। तो ये कौन था ये नादिर शाह, इसकी बायोग्राफी को हम देखेंगे, इसने इसका राइज कैसे हुआ, इसने भारत पे आक्रमण क्यों किया, और ये बैटल में क्यों सक्सेसफुल हुआ, सारी चीजें हम देखेंगे इसी सीरीज में। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो, और सबसे पहले हम देखते हैं दुनिया की स्थिति क्या थी जब शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी, और 17वीं शताब्दी का अंतिम समय जो था उस समय की बात करते हैं हम। तो 17वीं शताब्दी में ये है हमारा भारत, यहाँ पे थी मुगल डायनेस्टी। हालांकि हम मुगल डायनेस्टी को ये पूरा मैप में दिखा रहे हैं, 17वीं शताब्दी में मुगलों की जो सत्ता है वो इतनी पावरफुल नहीं थी, 17वीं शताब्दी में थी, सॉरी, ये 17वीं शताब्दी की बात करूं तो 17वीं शताब्दी के अंतिम समय तक कौन था, 1707 तक तो औरंगजेब था, और औरंगजेब तक मुगल बहुत ही पावरफुल थे। उसके बाद 18वीं शताब्दी में मुगलों का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे छोटे छोटे अंपायर बनते हैं, और एक बड़ा अंपायर मराठा अंपायर बनता है। उसी समय ईरान में क्या था, सफाविद अंपायर चल रहा था। सफाविद अंपायर है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। तो ये आज का ईरान है, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है, ये ओमान है, और यहाँ पे हमारा ये जो अरबियन सी है, ठीक है, आज के समय का ये पाकिस्तान, उसके अलावा ये अफगानिस्तान, ये एरिया उस समय भारत का हुआ करता था, आप सभी को पता है, ठीक है। बाकी आप दुनिया में देखें तो एक आपको इसी वीडियो में ओटोमन अंपायर की भी बात आएगी। तो 17वीं शताब्दी में ओटोमन अंपायर, सफाविद अंपायर और मुगल अंपायर, ये एशिया के बहुत ही पावरफुल अंपायर थे। अगर रशियन अंपायर की बात करें तो वो भी पावरफुल था, क्विन अंपायर जो है चाइना का अंपायर, ये भी पावरफुल थे। लेकिन हम अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस एरिया के अंदर ये तीन बहुत ही पावरफुल अंपायर हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ चीजें, देखो ओटोमन अंपायर का जो किंग होता था वो कौन था, यहाँ पे होता था खलीफा। चीजें आपको ध्यान रखनी है, खलीफा कहाँ है, ओटोमन अंपायर में। ओटोमन अंपायर का जो खलीफा था वो सुन्नी धर्म को अपमानता था। देखो सिया और सुन्नी दो रिलीजन है इस्लाम के, उसमें जो ये वाला रीजन है आज भी, ये यहाँ पे जो हमारा अरब वाले कंट्रीज हैं, सऊदी अरब वगैरह, इसमें सुन्नी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ये ईरान वाला इलाका है, यहाँ पे सिया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ओटोमन अंपायर उस समय रिप्रेजेंट करता था सुन्नी मुस्लिम्स को, जो कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होते हैं, जो हायरार्की को बिलीव करते हैं, और इसको आप मानिए सिया मुस्लिम जो होते हैं वो मेरिट पे बेस होते हैं, वो मेरिट में बिलीव करते हैं, जो योग्य है वही आगे चल के रूलर बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में तो एक आपको देखने को मिलेगी, एक स्ट्रगल दिखेगा, दोनों के बीच में लड़ाइयां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अफगानिस्तान के जो अफगान रूलर थे वो ओटोमन अंपायर के सपोर्टर थे, तो सफाविद अंपायर को दोनों तरफ से किसने घेर रखा था, एक तरफ से था ओटोमन अंपायर और दूसरी तरफ से था अफगान अंपायर, और इधर हमारा मुगल अंपायर है, ये भी इनकी बाउंड्री शेयर होती थी। क्यों चीजें जरूरी हैं आगे समझने के लिए, किसको समझना है हमें, नादिर शाह को समझना है। नादिर शाह का जन्म होता है 1688 में, 1688 में इसका 22 अक्टूबर को जन्म होता है, कोहबाण में, जो कि ईरान में एक जगह है, वहां पे इसका जन्म होता है, ठीक है। और तुर्किश ट्राइब थी वहां का, उसमें था, और साथ में सफाविद अंपायर के जो शाह है उनके लिए ये लॉयल था। ये लॉयल शुरू में नहीं था, आगे चल के बन जाता है, कैसे बनेगा चीजें समझते जाइए। शुरुआत में ये बहुत ही गरीब होता है, इसकी फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ही वीक होता है, और ये
क्या बोलते हैं, धीरे धीरे जो गरीबी को इस कदर से देखता है कि इसको लूटमार तक करनी पड़ती है, बचपन में ही लूटमार करना शुरू कर देता है। ये देखो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ करनी पड़ती है नहीं, ये उस चीज को चूज करता है, ठीक है। तो लूटमार करना शुरू कर देता है, इसके पिता एक गरीब किसान होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, इसकी माँ को और इसको, एक बार ये बचपन में ही इसकी माँ को जो दूसरे जो एक ट्राइब के लोग हैं वो उठा के ले जाते हैं, और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, इसको भी स्लेव की तरह रखा जाता है। तो चीजें आप देखिए, इसकी कहानी भी थोड़ी वैसी ही आपको दिखेगी जैसे कि चंगेज खान की थी, जैसे कि आप देखेंगे क्या बोलते हैं इसकी एक और था जिसने भारत में 1398 में आक्रमण किया था, कौन था, तैमूर, तैमूर की कहानी थी। मतलब बचपन इन्होंने गरीबी में देखा और उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो गए आगे चल के, ठीक है। तो ये हुआ, इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इसने एक अपना एक ग्रुप बनाया, जैसे एक आर्मी की तरह ट्रूप बनाया। उसके बाद ये लोगों के लिए काम करने लग गया, जो दूसरे राजा हैं, दूसरे किंगडम हैं, उनके लिए एक तरीके से हत्यारा बन गया, उनके लिए सेना एक तरीके से काम करने लग गया, उनकी सेना के लिए काम करने लग गया, ठीक है, ये चीज समझिए। तो ये था सफाविद एम्पायर का, मैंने आपको मैप दिखाया अर्ली, यहाँ पे इसके साथ मुगल एम्पायर लगता है, थोड़ा सा इंडस रिवर बीच में आ जाती है, काबुल बालकन जो है ये एरिया कभी ईरान के पास था, कभी मुगलों के पास था, कभी ये इंडिपेंडेंट था, कभी अफगानों की यहाँ पे चलती थी, तो ये एरिया इनके बीच में एक तरीके से बफर जोन था, ठीक है। दूसरी तरफ ओटोमन एम्पायर है, ठीक। अब क्या होता है, 17वीं शताब्दी में तो सफाविद एम्पायर बहुत ही पावरफुल होता है। अब अगर मैं सफाविद एम्पायर की थोड़ी सी मैं आपको बता दूं तो आपको चीजें समझनी है, 16th सेंचुरी में शुरू हुआ, 18th सेंचुरी तक अपने पीक पे था, फिर 18th सेंचुरी में अफगानों ने इन पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ से ओटोमन एम्पायर ने शुरू कर दिया, तो ये धीरे धीरे वीक हो गया। तो उसके बाद ये एम्पायर खत्म हो जाएगा और नया एम्पायर शुरू होगा, वो खुद शुरू करेगा नादिर शाह, ठीक है। तो शाह अब्बास जो था इसके समय ये अपनी पीक पे था सफाविद एम्पायर, ठीक है। और 18वीं शताब्दी में शुरुआत में जब अफगानों ने इस पे आक्रमण करना शुरू किया तो इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया और इसमें अनार्की फैल गई, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था कि उज्बेक जो थे वो इनको स्लेव बना के ले गए थे नादिर को और नादिर की माँ को, और फिर उसकी माँ की जब डेथ हो जाती है तो नादिर वहां से भागने में सफल होता है, फिर एक सोल्जर बन जाता है और फिर लोगों को एक अपनी सर्विस देना शुरुआत कर देता है, कि इसको पैसे में ये एक तरीके से वो बन जाता था कि एक ट्रूप बना लिया जो इसको पैसा देगा उसके लिए ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर बेस आर्मी इसने बना ली, ठीक है। तो शुरुआत में ये अलग अलग लोगों के लिए लड़ता रहा, अफगानों के लिए भी लड़ा, ये उज्बेकों के साथ भी लड़ा है, हालांकि उज्बेकों ने इसको स्लेव बनाया लेकिन उसके बावजूद उनके लिए लड़ा क्योंकि ये प्रोफेशनली ये काम करने लग गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, सफाविद एम्पायर जो था शिया मुस्लिम्स के हब था। उसके बाद आती है चीजें, ये मैंने बता दिया है कि इधर से ओटोमन एम्पायर इनके पीछे पड़ा हुआ था, इधर से उज्बेक इनके पीछे पड़े हुए थे, इधर से हिंदूकुश की पहाड़ियां हैं भारत से, जो अफगानिस्तान की ओर से अगर भारत में आने का जो रास्ता था पहले, यहीं से ज्यादातर इन्वेडर्स आते थे भारत में, ठीक है, फिर अफगानिस्तान भी, तो ये चीजें हुआ करती थी पर्शिया के चारों तरफ, ये चीज थी, ठीक। अब चीजें समझिए कि इसकी पावर कैसे राइज होती है। ये नादिर शाह है, ये नादिर शाह वो बच्चा जो एक ऐसी गरीबी में पहला एक किसान का बेटा था, एक उसने सेना का ट्रूप बनाया, इसकी ताकत कैसे बढ़ती है, ताकत बढ़ती है इसकी जब भारत में, जब ईरान में अफगानों का आक्रमण शुरू होता है 1719 में, पर्शिया को इन्वेड कर देते हैं अफगान, उसके बाद शाह को यहाँ से डिस्पोज कर देते हैं, उसको हटा देते हैं तख्त से 1722 आते आते। फिर शाह जो है, यहाँ का जो शाह था ईरान का, ये मिलता है नादिर से, ये सोचता है कि ये जो लड़का है नादिर, ये जो दूसरों के लिए लड़ता है तो क्यों ना ये मेरे लिए लड़े, अपने देश के लिए लड़े, तो मैं भी इसको पैसे दे दूंगा, मैं भी इसको बाउंड्री दे दूंगा। तो नादिर के साथ एक तरीके से समझौता साइन करता है कि अगर आगे अगर तुम मेरे को अपना राज्य दिलाने में मदद करते हो तो मैं तुम्हें एक ऊंचे पद पे बिठाऊंगा और तुम्हें भी एक तरीके से रूल करने का मौका मिलेगा। तो शुरुआत में तो उज्बेकों के साथ था नादिर, लेकिन बाद में 1727 आते आते इसने तमास्त, ये नाम देखो थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तमास्त जो था उस समय सेकंड जो था तमास्त सेकंड, ये सफाविद डायनेस्टी का एक्चुअल हेयर था, इसने इसके साथ समझौता साइन किया कि हम अगर अफगानों को यहाँ से हरा दें, पीछे धकेल दें, तो हमारा डायनेस्टी है जो हमारा रूल है इसको बचा सकते हैं और दोनों मिल बांट के रूल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नादिर जो है ये आक्रमण करना शुरू कर देता है वापस से, ये जो अफगान है इनको पीछे धकेलना शुरू करता है, बैटल पे बैटल, फाइट पे फाइट होती है। खोराशन जो है ईरान का उस समय कैपिटल हुआ करती थी, इससे ये
धकेल देता है, सब अफगानों को धीरे धीरे ये पीछे धकेलता है। और इसी वजह से, इसी की खूबियों की वजह से, इतना अच्छा मिलिट्री लीडर था नादिर, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ पर्शिया बोला जाता है। नेपोलियन, नेपोलियन कौन था? अब नेपोलियन की बात आती है, क्या पता शायद ज्यादातर लोग जानते हों, नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट आपको पता है फ्रांस का एक मिलिट्री जनरल था। और मॉडर्न एरा में अगर आधुनिक समय की बात करें पूरे दुनिया में, तो नेपोलियन बोनापार्ट को सबसे अच्छा मिलिट्री लीडर माना जाता है। तो जो जिस भी व्यक्ति को जो बहुत अच्छा मिलिट्री लीडर है उसको नेपोलियन की उपाधि दी जाती है। तो भारत का नेपोलियन जैसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्योंकि उसने 100 से ज्यादा लड़ाइयां जीती थी, उसी तरीके से नादिर शाह को पर्शिया का, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा लड़ाइयां जीती थी। अफगानों को इसने 1729 आते आते पर्शिया से भगा दिया, मार मार के उनको भगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये खुद तख्त पे नहीं बैठा, इसने तमास जो था जिसके साथ इसकी बात हुई थी, सफाविद डायनेस्टी का जो रूलर था, उसको इसने क्राउन बिट पे बिठाया, वापस ये वो राजा बना दिया। लेकिन अब तमास के पास इतनी पावर नहीं थी, पावर किसके पास थी? नादिर के पास थी। वैसा ही देखिए आप, जैसे मराठा अंपायर में पेशवा के पास पावर ज्यादा हो गई थी बाद में और छत्रपति कमजोर हो गया था, उसी तरीके से तमास जो है ये रूलर कमजोर हो गया था, ये नॉमिनल हेड रह गया था, और नादिर जो है ये पावरफुल हो गया था, ठीक है। उसके बाद भी रूलर वही था। धीरे धीरे क्या होता है, एक बार ऐसा होता है कि नादिर तो एक रिवोल्ट खोरासन में दबाने के लिए जाया गया होता है, पीछे होता है, लेकिन उसी टाइम पे तमाश जो है इसके जो तुर्क जो लोग होते हैं और जॉर्जिया के जो लोग हैं, आर्मेनिया के जो लोग हैं, उनके खिलाफ एक मिलिट्री अभियान कर देता है, उनको दबाने के लिए, उनको बैकफुट ही, उनके साथ इनकी बनती नहीं है, मतलब बेसिकली तमाश की नहीं बनती है, लेकिन नादिर इनका अलाइज होता है तुर्क, क्योंकि ये खुद तुर्किश अलाइज उस ट्राइब से था, ठीक है। तो ये जब चीज होती है तो इस चीज से नादिर गुस्सा हो जाता है और तमाश को तख्त से हटा देता है। 1732 आते आते तमाश को तख्त से हटा देता है और इसकी जगह इसका जो छोटा बेटा होता है, छोटा सा बच्चा होता है इसका, इन्फेंट, उसको गद्दी पे बिठा देता है 1732 से, ठीक है, जिसका नाम होता है अब्बास तृतीय। चीजें समझ में आ रही? धीरे धीरे समझिए, पहले क्या हुआ, सफाविद डायनेस्टी थी, सफाविद डायनेस्टी के बाद उन पे आक्रमण किया अफगानों ने, अफगानों को भगाया नादिर ने, तमास को रूलर बनाया, लेकिन तमास जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था तो उसको तख्त से हटा दिया। अब उसका बेटा जो है, छोटा सा बेटा है, उसको बिठा दिया, वो रूल नहीं कर पाएगा, और उसके रिजेंट जो है उसका संरक्षक खुद को घोषित कर लिया कि नादिर कौन है, अब्बास का संरक्षक है, तो रूल तो नादिर ही कर रहा है, अब्बास तो सिर्फ तख्त पे बैठे हैं, वो तो एक नॉमिनल हेड हो गया, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, और लड़ाइयां जीतता जाता है नादिर, ओटोमन अंपायर के साथ भी लड़ाइयां लड़ता है, रशियन के साथ भी लड़ता है, और रशिया और तुर्किस्तान जो है वहां तक अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड कर देता है। चीजें होती जाती हैं, नादिर पावरफुल होता जाता है और ये सफाविद अंपायर भी पावरफुल होता जाता है, ठीक है। अब समय इतना आता है 1736 में कि नादिर सोचता है कि अब हम मुझे किसी को पपेट रूलर बनाने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद यहाँ पे तख्त पे बैठ सकता हूँ, मुझे बैक बिहाइंड द डोर रह के जरूरत नहीं है कि मुझे हाइड रह के ही मैं रूल करूँ, ऐसा नहीं है। तो तब तक लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके थे, सब मान चुके थे कि यही रूलर है एक्चुअल में। तो इसने नई डायनेस्टी बनाई, अफशरीद डायनेस्टी, अफशरीद डायनेस्टी या शाह डायनेस्टी जो है ये इसने बनाई। शाह डायनेस्टी पहले वाली डायनेस्टी को भी बोलते हैं, सफाविद शाह की डायनेस्टी इसकी डायनेस्टी को भी बोलते हैं, लेकिन अफशरीद डायनेस्टी जो है ज्यादा करेक्ट रहेगा, ठीक है। वो सफाविद डायनेस्टी है, ये अफशरीद डायनेस्टी है, ठीक है। अब इसने नई डायनेस्टी फाउंड कर ली, तो 1736 में ये ईरान का क्या बोलते हैं हमारा लीडर बन गया। तो ये था उस समय का ईरान, और यहाँ पे अफशरीद डायनेस्टी का राइज हो जाता है, सफाविद डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, भारत के साथ इसकी बाउंड्री लगने लग गई ना, भारत के साथ इसकी बाउंड्री लगने लग गई, यहाँ तक तो मुगलों का अंपायर था, ठीक है। उसके बाद उस समय बात आती है 1736 में, हम 1736 में पहुंच गए हैं, और 1736 में भारत में लीडर कौन था? भारत में मराठों की तरफ से अलग है, और अगर मुगलों की बात करें, क्योंकि ये सारा कॉन्टेक्स्ट मुगलों से रिलेटेड है, तो यहाँ पे था मोहम्मद शाह रंगीला। अब नाम तो उसका भाई मोहम्मद शाह ही था, लेकिन रंगीला उसके मिजाज की वजह से कहा जाता था, उसको रंगीला मिजाज का था, बहुत ही अयोग्य शासक था, अपने
उसमें ही डूबा रहता था, शराब शबाब में डूबा रहता था, कुछ उसको आता नहीं था, न कोई उसने अच्छी लड़ाई जीती, न डिप्लोमेटिक रिलेशन उसने दूसरे स्टेट्स के साथ अच्छे बनाए, न उसने अपनी इकोनॉमी को संभाला, न अपने वजीरों और अपने मंत्रियों के साथ उसकी बनती थी। तो बहुत ही वीक रूलर था। और दूसरी तरफ नादिर शाह जैसा रूलर, जिसको नेपोलियन का तक की उपाधि मिली हुई थी, तो भारत पे आक्रमण करने की इसने सोची क्यों? भारत पे आक्रमण करने की सोची, इसके पीछे दो बड़े कारण थे। दो बड़े कारणों में पहला कारण तो ये था कि यहाँ की जो मुगल सत्ता थी वो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसके सक्सेसर थे, आने वाले 30 साल में, 1707 में तो डेथ हुई थी औरंगजेब की, और 1736 की मैं बात कर रहा हूँ, इस 30 साल में 5-6 तो रूलर चेंज हो गए। जो लेटर मुगल्स की हम बात करें, बहादुर शाह प्रथम है, फारूक शियार है, जहांगीर शाह है, ठीक है। और इन चीजों के समय ये जो रूलर थे बहुत ही कमजोर थे, कोई 2 साल टिकता था, कोई 5 साल टिकता था, और उनके बाद उनके वजीर ही उनकी हत्या कर देते थे, ठीक है। दूसरी तरफ पता था कि ये जो छोटे छोटे रीजनल पावर थे जो उनके अलाई हुआ करते थे किसी समय मुगलों के, उन्होंने भी इनसे हाथ खींच लिया था। मुगल नोबल्स थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और दूसरी तरफ मराठे जो थे वो इनको बार बार हरा के लड़ाइयों में इनको वीक कर रहे थे, कमजोर कर रहे थे। तो एक बात ये है कि ये मुगल अंपायर वो मुगल अंपायर नहीं रहा था जो कभी अकबर, औरंगजेब और बाबर के समय हुआ करता था। अब ये मुगल बादशाह सिर्फ मुगल डायनेस्टी का इस्तेमाल करते थे, नाम का, बस नाम के मुगल थे और बहुत ही कमजोर हो चुके थे। तो मोहम्मद शाह आया, मोहम्मद शाह बहुत ही कमजोर रूलर था। मोहम्मद शाह ने 1719 से लेके 1748 तक लगभग शासन किया है, लेकिन इस शासन में उसने कुछ बड़ा तीर नहीं मारा। बस ये था, पता नहीं इतने सालों तक ये कैसे टिक गया, क्योंकि तख्त पलट इसका नहीं हुआ और कुछ था नहीं इस राज्य के पास तख्त पलट करने के लिए। नादिर शाह ने इसको इस कदर लूट खसोट मचा दी थी, ठीक है। तो मोहम्मद शाह के समय इतना वीक होने की वजह से नादिर शाह को पता था कि इस अंपायर को मैं आसानी से जीत सकता हूँ। अब ये रूलर वीक हो गए थे औरंगजेब के बाद के, लेकिन इनके पास पैसा तो अभी भी था ना। बहुत ही प्रॉस्परस सिटी थी दिल्ली, और ये जो अंपायर था, क्योंकि पहले का कमाया हुआ पैसा था, पहले से इकट्ठा था यहाँ पे, क्योंकि मुगल भारत में रूल करते थे, वो लूट के पैसा कहीं बाहर नहीं लेके जाते थे, वो भारत में ही रहता था पैसा। तो ये रिच थे, अच्छे खासे रिच थे। तो ये चीज पता थी मोहम्मद शाह को, और मोहम्मद शाह जानता था कि भारत एक सोने की चिड़िया है, और उस चिड़िया के कुछ पर हमारे भी हाथ आ जाए तो मजा ही आ जाए। तो नादिर शाह का एक रीजन तो ये था। दूसरा रीजन ये था कि जो अफगानों के साथ नादिर शाह की लड़ाइयां होती रहती थी, उसको पॉलिटिकल असाइलम दे रहा था कौन? ये मोहम्मद शाह, ये बेवकूफ रूलर जो अपनी सत्ता को नहीं संभाल पा रहा था, ये दुश्मन के दुश्मन को पनाह दे रहा था। और इस बात के लिए मना किया था नादिर शाह ने कि अफगानों को तुम शेल्टर मत दो, जो काबुल से भाग के तुम्हारे ये हिंदू कुश से आ जाते हैं भारत में, इनको शेल्टर मत दो, इनको आना बैन कर दो, इनको मुझे सौंप दो। लेकिन मोहम्मद शाह ह्यूमिलेट करता है पर्शियन जो वहाँ पे इन्वॉय आते हैं, जो एम्बेसडर आते हैं, कि मैं तो अपने जो ये आए हुए हैं मेहमान, इनका स्वागत करूँगा। इस बात से नादिर शाह बहुत गुस्सा हो जाता है कि इतनी कहाँ से हिम्मत हो गई मोहम्मद शाह की कि वो मेरी बात को मानने से मना कर दें, ठीक है। तो इस बात से जब ईगो हर्ट हो जाता है नादिर शाह का, तो दूसरा कारण ये बनता है। तो दो कारण थे इंडिया पे आक्रमण करने के, एक तो यहाँ को लूटमार करना, और दूसरा ये जो रिलेशन खराब किए मोहम्मद शाह ने अफगानों को शेल्टर देके, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये दो रीजन रहे। उसके बाद बात आती है 1738 की। 1738 आते आते नादिर शाह ने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली थी कि वो भारत पे चढ़ाई करेगा। तो उसका साथ दे रहे थे जॉर्जिया के लीडर हेराक्लियस द्वितीय, जो सेकंड है, इसने 1738 में इनकी आर्मी के साथ चढ़ाई करनी शुरू की, और सबसे पहले कांधार वाला इलाका, आज के समय पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो लगता है वहां पे कांधार था, उसके बाद काबुल, यहाँ पे मार्च किया, और 1738 में सबसे पहले काबुल, कांधार को जीता, फिर काबुल को जीता, फिर गजनी को जीता, फिर पेशावर को जीता, युद्ध पे युद्ध जीतता गया। और इधर से मुगल जो बादशाह है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसने बिल्कुल भी अपनी आर्मी को न तो कांधार भेजा, न काबुल भेजा, न गजनी भेजा, और लूटने दिया, वहां पे इनको हरा दिया। एक इतनी बड़ी नादिर शाह की आर्मी, एक इतना योग्य कुशल लीडर, उसके सामने मुगलों के गवर्नर कहाँ तक टिक पाते? तो इनको लूट लिया, लाहौर तक आ गया। तो लाहौर का जो गवर्नर था उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम हमारा लूट कसोट और लोगों को मारो मत। तो काबुल लाहौर पे आके वो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन लाहौर पे यहाँ पे मारपीट लोगों को नहीं करता है, वहां पे लोगों की हत्या नहीं की जाती है ब्रूटली।
ठीक है, समय आ गया है 1739 का, शुरुआती समय 1738 का, अंतिम समय आ गया है। अब बात पता चल गई कि भाई मुगलों को लड़ना तो पड़ेगा, कब तक आलस में बैठा रहेगा मोहम्मद शाह? ऐसा तो नहीं है कि युद्ध करे नहीं और ये आर्मी यहाँ घर तक पहुंच जाए, और पहुंच ही चुकी थी घर तक। तो सबसे पहले देखते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ, युद्ध तो होगा ये बात तो क्लियर हो गई थी। तो नादिर शाह के पास सिर्फ 80,000 सोल्जर थे, बहुत होते हैं 80,000, लेकिन कंपैरेटिवली मुगल आर्मी के बहुत कम थे, क्योंकि मुगलों के पास लगभग 3 लाख की सेना थी। 3 लाख की सेना थी, 1500 वॉर एलिफेंट थे, उसके अलावा घोड़ों को और ऑक्सन जो होते हैं बैलगाड़ी हैं हाथियों को रो करने वाले 8,000 लोग अलग थे। इतनी बड़ी आर्मी होने के बाद 3 लाख वर्सेस 80,000 में आपको क्या लगेगा कि 3 लाख वाली आर्मी ऑब्वियसली जीतनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लीडरशिप बहुत खराब थी, मुगलों की लीडरशिप बहुत ही खराब थी, उनके बीच में आपसी कलेश थे, आपस में लोग पावर को हथियाना चाहते थे, और यहाँ पे मुगलों की हार होती है, और वो चीजें ही हमें देखनी है। यहाँ पे होता है बैटल ऑफ करनाल। करनाल कहाँ है? आज के समय जो हरियाणा है, हरियाणा जो स्टेट है हमारा दिल्ली के पास, यहाँ पे करनाल है, करनाल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो करनाल में ये युद्ध होता है, मोहम्मद शाह जब अपनी आर्मी को भेजता है, आर्मी किसके अधीनता में भेजी जाती है, किसकी लीडरशिप में भेजी जाती है? निजाम उल मुल्क, जो हैदराबाद का निजाम था, आप सभी को याद है निजाम उल मुल्क, उसकी लीडरशिप होती है, और खान दुर्रान, ये होता है, दो तो ये लीडर होते हैं। साथ ही साथ अवध का जो नवाब है सदत अली खान, ये भी लीडरशिप में होता है। अब चीजें समझिए, निजाम के साथ भी मोहम्मद शाह की इतनी नहीं बनती थी, निजाम खुद इसका वो रहा होता है, वजीर रहा होता है, लेकिन शहादत खां और निजाम में आपस में एक पावर स्ट्रगल चलता है। दोनों लोग चाहते हैं कि कैसे भी तख्ता पलट करके मोहम्मद शाह को गद्दी से हटाएं और मैं बनूं लीडर, मैं बनूं। तो निजाम ने तो 1724 में हैदराबाद रियासत बना दी थी अपना, सेपरेटली इसने स्टार्ट कर दिया था किंगडम, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चाहते थे कि इन्फ्लुएंस जो है मुगल सत्ता पे, निजाम चाहता था उसका रहे, और अवध का जो ये नवाब है सादत अली खान, ये चाहता था इसका रहे। ये मेन रीजन रहा इस बैटल को हारने का, ठीक है। तो उसके बाद 24 फरवरी 1739 को ये युद्ध लड़ा जाता है, करनाल का युद्ध, जिसमें लगभग 3 घंटे में, सिर्फ 3 घंटे में करनाल में मुगल बादशाह को हार का सामना करना पड़ता है। ये 80,000 सोल्जर 3 लाख की सेना पे भारी पड़ते हैं, और तीन ही घंटे में मुगल बादशाह को हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही हार कभी होती नहीं थी मुगलों की, इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी मुगल हार गए। और उसके बाद एक ट्रीटी भी होती है, एक बातचीत भी होती है मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में, कि मोहम्मद शाह रंगीला कहता है कि आप 50 लाख रुपए ले लो हर्जाने के रूप में, जो भी आपको कंपनसेशन चाहिए, और उसके बाद हमें छोड़ दो, हम आपके सामने हार मानना स्वीकार करते हैं। तो नादिर शुरुआत में उसको पता नहीं होता है कि दिल्ली के पास कितना खजाना है, क्या है, तो नादिर इस चीज पे एग्री कर जाता है। लेकिन उसके बाद शहादत अली खान जो नवाब है अवध का, ये नादिर से मिलता है और कहता है कि तुम 50 लाख में क्यों मान गए, मुगलों के पास बहुत बड़ा खजाना है, तुम्हें तो 2 करोड़ रुपए मांगने चाहिए, तुम तो 2 करोड़ भी ले सकते हो। तो यहां से नादिर के मन में एक लालच आता है, और उसके बाद ये मोहम्मद शाह के साथ ये जो बातचीत होती है इसको ये तोड़ लेता है, कहता है कि नहीं मुझे तो दिल्ली लेके चलो। और दिल्ली क्या लेके चलो, मोहम्मद शाह को एक बार तो बंदी बना लेता है, और कहता है कि देखो तुम्हें, अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों के बीच में कोई सुलह हो, तो तुम जाओ दिल्ली और मेरे भव्य स्वागत की तैयारियां करो। तो देखो कितनी बड़ी बेइज्जती है, एक तो युद्ध में हराया, उसके बाद आगे चल के ये मोहम्मद शाह रंगीला इसकी तैयारी भी करेगा कि इसकी बहुत ही हाथियों पे इसको बुलाया जाएगा, फूल बरसाए जाएंगे। 12 मार्च 1739 के दिन दिल्ली पहुंचता है नादिर शाह, और इसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है, और ये जो रूलर है मोहम्मद शाह, ये अपनी खजाने की चाबी भी इसको सौंप देता है कि जो लूटना है लूट लो, हमें बख्श दो, हमारे लोगों को मारना बंद कर दो। तो ये तो ये वो बैटल की हमारा जो है करनाल में ये युद्ध हुआ था, दूसरी तरफ मोहम्मद शाह और ये निजामुल्लक था, खान दुर्रान था और सादत खान था, दूसरी तरफ ये आर्मी थी किसकी, नादिर शाह की, जिसको बुरी तरीके से मुगलों को पटक पटक के इसने हराया है, ठीक है। अब बात आती है आगे चल के क्या चीजें होती हैं, दिल्ली पहुंच जाता है एकदम ऐशो आराम से, नादिर शाह यहाँ पे रह रहा होता है, अपना अड्डा जमा लिया होता है,
अब वो आराम से यहाँ पे रहने की अपना जुगाड़ कर रहा होता है कि वो लूट के लेके जाने वाला होता है थोड़े समय में। थोड़ा समय तो क्या, यहाँ पे लगभग 2 महीने रहा था नादिर शाह। 57 दिन तक दिल्ली को उसने लूटा था, आराम से अपनी मेजबानी करवाई थी। लेकिन इसी बीच एक चीज होती है, एक रूमर फैलता है और कुछ टसल्स होती हैं इंडियंस और ईरानियों के बीच में। क्या होती है, अब जैसे कोई 80,000 की सेना भारत में आएगी तो यहाँ खाने पीने की चीजों की थोड़ी सी कमी होगी, तो उसकी वजह से मार्केट में पैसे की जो ये मार्केट में जो सामान है इसकी कीमतें बढ़ गई। तो इसी वजह से एक बार ये जो पहाड़गंज का जो दिल्ली का इलाका है, पहाड़गंज मार्केट में, यहाँ पे ट्रूप्स जो हैं ईरानी ट्रूप्स और यहाँ की जो ये जो मार्केट के लोग थे इनके बीच में कुछ कहा सुनी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि ईरानी ट्रूप चाहते थे कि कम रेट पे सामान उनको मिल जाए और ये जो व्यापारी थे ये इनको इस कम रेट पे नहीं देना चाहते थे। तो इसके बीच में यहाँ पे एक झड़प हो गई, एक चीज तो ये हुई। उसके बाद कहीं पे एक रूमर फैल गया कि रूमर ये फैला कि ये जो नादिर शाह है इसकी हत्या कर दी गई है एक फीमेल गार्ड के द्वारा रेड फोर्ट में। तो नादिर शाह की हत्या की खबर जब लोगों तक पहुंची, ये रूमर जब फैला तो लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने ईरानी सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया और लगभग 3,000 ईरानी सोल्जर्स को यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया 21 मार्च को, ठीक है। और ये बात जब पता चलती है नादिर शाह को तो वो बहुत ही ज्यादा इस चीज से गुस्सा हो जाता है और वो लाल किले पे जाके अपने जो जर्नल हैं उनको कत्ले आम का ऑर्डर देता है। कत्ले आम मतलब जो मिले सबको मार दो। तो ये बात है 21 से लेके 23 मार्च तक की 1739 में हजारों लाखों लोगों की हत्या की जाती है दिल्ली में। बच्चे औरतें सबको यहाँ पे लूट मार की जाती है, लोगों के घर जा जा के लूटे जाते हैं, बाजारों में खून खून मतलब सड़कों पे बिखरा होता है लाखों में। मतलब 6 घंटे तक, सबसे पहले जो पहला दिन होता है उस दिन 6 घंटे तक लोगों को मारा जाता है। तो ऐसा माना जाता है लगभग ऑफिशियल आंकड़ा तो लगभग है 30,000 लोगों की हत्या हुई, लेकिन लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए और 10,000 लोगों को यहाँ पे स्लेव बना लिया गया, औरतों और बच्चों को। और यहाँ पे ये उनको पर्शिया भी लेके जाता है, ठीक है। तो इतना बड़ा मसाकरे होता है, इतना बड़ी ये हत्याकांड होता है लोगों का, किस वजह से, ये रूमर जो फैला जाता है इसी की वजह से। और ये जो नादिर शाह का असली रूप सामने आता है कि किस तरीके का ब्रूटल आदमी था ये, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, दिल्ली को इस तरह से लूटा जाता है। और उसके बाद अगर आफ्टर मैथ देखें इस युद्ध के बाद क्या हुआ, इस इन्वेजन के बाद क्या हुआ, तो दिल्ली तो एक तरीके से धराशायी हो गई, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लूट लिया गया। तो इस शहर की तो एक तरीके से रुइन कर दिया गया, ठीक है। मुगल बादशाहों की जो हैसियत थी वो दुनिया भर को पता चल गई कि ये कमजोर हैं, इनके पास कुछ नहीं रहा, ये उस तरीके से सामना नहीं कर पाते जिस तरीके से ये पहले करते थे। साथ ही साथ नादिर शाह ने क्या किया, ये जो मयूर सिंहासन था जहां पे कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, इसको भी वो लूट के ले गया और ईरान में इसको ले गया, ठीक है। तो ईरान ले जाता है नादिर शाह कोहिनूर हीरे को, ठीक है। उसके बाद 10 लाख रुपए उसको कैश दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लगभग 600 मिलियन रुपए की इसको ज्वेलरी यहाँ से लेके चला जाता है। 600 मिलियन यानी कि आप देखें 6 करोड़ रुपए लगभग ये यहाँ से ले जाता है, 600 मिलियन रुपीज़ यहाँ से लेके जाता है। 600 मिलियन यानी मिलियन लगाओगे 10 की पावर, यहाँ पे 6 लगा लो और यहाँ पे आप मिलियन में रुपीज़ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 7,000 क्राफ्टमैन ले जाता है, 200 कारपेंटर ले जाता है, 100 से ज़्यादा ये स्टोन कटर जो हैं यहाँ पे उस समय जो थे, काफ़ी सारे इनके जवरात थे उनको लेके चला जाता है, हजारों हाथी घोड़े सब कुछ ही लेके यहाँ से चला जाता है और मुगलों के पास कुछ नहीं रहता, उनका खजाना खाली हो जाता है, ठीक है। तो ये था, साथ ही साथ उसके बाद लोगों को भी मौका मिलता है भारत में। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से आ चुकी थी, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग आ चुके थे, बाद में फ्रांसीसी आए इस युद्ध के बाद, क्योंकि सबको पता चल गया कि यहाँ पे जो भारत के जो रूलर हैं वो बहुत ही वीक हो चुके हैं। जो सबसे पावरफुल डायनेस्टी हुआ करती थी किस समय मुगलों की, वो अब बहुत ही वीक हो चुकी है। तो ये चीज़ें हुई मोहम्मद शाह रंगीला के समय पे 1739 में नादिर शाह ने जब आक्रमण किया, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।